तो आज मैं आपको ऐसे हेयर स्टाइल के बारे में बताऊंगी जिससे कि बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और बहुत टूटते हैं। साथ ही जो आप हेयर एक्सेसरी का यूज करते हैं, जो भी आप लगाते हैं, उससे भी काफी बाल झड़ते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हेयर स्टाइल के बारे में जिससे कि आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। खुद ये मेरे अनुभव हैं और मैंने ये चीजें अनुभव की हैं और कौन कौन सी हेयर स्टाइल बनाने की वजह से मेरे बाल झड़े हैं वो चीज मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं बनाती हूँ इस तरीके की लूज चोटी, तो देखिए, और इसी चोटी पे चोटी बना करके ही मैं बन बनाती हूँ। तो किस तरीके का बन आपको नहीं बनाना है और किस तरीके का आपको बनाना है इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पिछली वीडियो में भी मैंने ये सब आपको बोला था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं पाकिस्तान से बोल रही हूँ। तो काफी अच्छा लगा, आप मेरी वीडियो बहुत दूर दूर से देखते हो, मेरी वीडियो ध्यान से सुनते हो। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कौन से वो हेयर स्टाइल है जिससे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं अपनी हेयर स्टाइल की बात करती हूँ। जब भी मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं एक लूज चोटी बना लेती हूँ। मेरे काफी लंबे बाल हैं, आपने देखे हैं कई बार और देख सकते हैं मैंने हल्की लूज चोटी बनाई है, तो इससे हेयर फॉल बहुत कम होता है। और जरा सा मैं ट्विस्ट करके यहाँ पे हल्का सा पफ बना लेती हूँ। देखिए, ज्यादा नहीं, मेरे बाल घने हैं तो मुझे ज्यादा हैवी पफ बनाने की जरूरत नहीं होती है और इसका मैं यूज करती हूँ। तो देख सकते हैं क्लेक्चर का, और ये मेरे लिए काफी आसान रहता है। अगर आप इस तरीके की हेयर एक्सेसरी का यूज करते हैं जैसे कि ये, इससे बाल झड़ते हैं। यूज मैं भी करती हूँ, कभी कभी मुझे करना पड़ता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसे लगाने से जो आपके यहाँ के बाल हैं वो भी झड़ते हैं और काफी बाल खिंचते हैं। तो इसे आप लगा लेंगे, अगर पब बनाते हैं तो आप इस तरीके के लगा सकते हैं। और कौन से बन आपको नहीं बनाने चाहिए, तो यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको अपने बन को ऊपर की तरफ ऐसे उठा करके नहीं बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना है। जब भी आप बन बनाते हो तो आपको ऐसे ही कर लेना है और दिन में दो बार आपको अपने बालों को खुला छोड़ना है ताकि आपके बालों को ऑक्सीजन मिले और हवा लगे बालों के अंदर। और नमी होने के कारण, जब नमी हो जाती है बालों के अंदर तो बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं पसीने की वजह से। इस मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और पसीना भी काफी आता है, तो बालों को ओपन जरूर करना है दिन के दो टाइम। मेरे इतने लंबे बाल हैं, मैं अपने बालों को कई बार दिन में खुले छोड़ती हूँ ताकि बालों में अच्छे से हवा लगे, और दिन भर बालों का जूड़ा बांध के नहीं रखती हूँ। काफी लोग मुझसे बोलते भी हैं इतने लंबे बालों को आप खुला नहीं छोड़ सकते, तो मैं खुला रख करके अपने बालों को खुला छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं जो भी काम है वो करती हूँ, या बैठ के कुछ मुझे वीडियो एडिट करनी होती है तो मैं वीडियो एडिट करती हूँ और बालों को खुला छोड़ देती हूँ पंखे की हवा में। तो हवा लगनी बहुत जरूरी होती है। और तीसरी चीज है, अगर आप कोई टाइट पोनीटेल बना रहे हो, यहाँ पर पोनीटेल बना रहे हो, तो इस तरीके की पोनीटेल आपको नहीं बनानी है। और जब भी आप कहीं पे पार्टी में या कहीं पे जाते हैं तो थोड़ा सा लूज करके पोनीटेल बनाइए। अगर आपको पोनीटेल बनाना अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लूज रखे, अगर टाइट कस के रखेंगे तो यहाँ के भी आपके बाल गिरेंगे और यहाँ से टूटेंगे। जो आप रबर बैंड निकालोगे उसके साथ भी बाल टूटेंगे। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ये हेयर स्टाइल हम बना लेते हैं तो काफी बाल हमारे झड़ते हैं। तो आप घर पर रहते हैं तो नेचुरल अपने बालों को थोड़ी देर खुला रहने दें और दिन में दो से तीन बार कंघी करें, तभी आपके बाल स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे आपके बाल ग्रो करेंगे मेरी तरह। तो मैं काफी चीजों का ध्यान देते हुए अपने बालों की केयर करती हूँ। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए।